Hello everyone, this is Supriya. Welcome to our channel Inspire India Club. So friends, today we are going to discuss the topic double salt and complex salt. So friends, सबसे पहले हम double salt को समझते हैं. तो friends, मैंने double salt के लिए यहाँ पे दो statement लिख रखा है. तो सबसे पहले हम first statement देखें. तो it says that a double salt is a compound prepared by the combination of two different salts. तो friends, double salt एक ऐसा compound होता है जो किसी दो डिफरेंट सॉल्ट्स के मिलने से बनता है बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो फ्रेंड्स, अ डबल सॉल्ट इज अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब किसी दो सिंपल सॉल्ट्स को आप क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से कंबाइन करते हैं तो जो कंबाइंड सॉल्ट आपको मिलता है वो डबल सॉल्ट मिलता है. As the word double indicates two, it means that it is the combination of two different salts. Second statement is that it gives simple ions when added to water. Means जब double salt में आप पानी को add करते हैं तो आपको वो simple ions में dissociate होता हुआ मिलेगा. It simply means that it completely dissociates in water. जब आप पानी ऐड करते हैं तो डबल सॉल्ट्स अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. तो फ्रेंड्स, ये दो बेसिक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप डबल सॉल्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, KCl प्लस MgCl2. तो फ्रेंड्स, ये दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं. तो इनको फिर जब आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू कंबाइन करते हैं तो फ्रेंड्स ये बना लेता है KCl, MgCl2 एंड 6H2O. छह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ ऐड हो जाते हैं. तो फिर जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया था कि अ डबल सॉल्ट इज अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मैंने दो डिफरेंट सॉल्ट्स को लिया, क्रिस्टलाइज करवाया और जो कंबाइंड आपको सॉल्ट मिला दिस इज डबल सॉल्ट. और फ्रेंड्स, इस डबल सॉल्ट को आप कार्नेलाइट के नाम से भी जानते हैं. तो फ्रेंड्स, मेटलर्जी में आपको पढ़ने मिलेगा इसी कंपाउंड को आप कार्नेलाइट बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि इट गिव्स सिंपल आयंस व्हेन एडेड टू वाटर. तो जब फ्रेंड्स आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये फ्रेंड्स अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. जैसे ये टूट जाएगा K+, Cl- Mg+2, 2Cl-. तो फिर देख रहे हैं कि यहां ये अपने सारे आयंस में ब्रेक कर चुका है. तो फ्रेंड्स, ये है तरीका डबल सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का. तो यहां पे फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहां पे टोटल डिफरेंट आयंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहां पे टोटल डिफरेंट आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल डिफरेंट आयंस इज 3. एंड आपसे ये भी पूछा जाता है दैट टोटल मोल्स ऑफ आयन कितने डिसोसिएट होके आपके पास बचे हैं. तो आप काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मोल, 1 एंड इधर 1 मोल, तो टोटल इज 5 मोल. तो फ्रेंड्स, आपको वर्ड्स पे ध्यान रखने होंगे दैट आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे ये कंफ्यूज होने वाला होता है कि आपसे डिफरेंट आयंस पूछा गया तो आप सोचेंगे कि टोटल मोल्स आप काउंट करके बता देंगे. तो फ्रेंड्स, आप ये सब चीज पे ध्यान रखें. टोटल डिफरेंट आयंस मीन्स आप इस दो यहाँ के 2Cl- को और ये Cl- को आप एक ही कंसिडर करेंगे बिकॉज ये Cl- ही है. डिफरेंट आयंस मीन्स कि Cl- से अलग कुछ होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सिमिलरली अगर आप FeSO4 प्लस NH4 ट्वाइस SO4 को जब आप क्रिस्टलाइज करवाते हैं,
ये भी दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं जिसको जब आप क्रिस्टलाइज करवाएंगे तो आपको मिलेगा FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O. और इस डबल सॉल्ट्स को फ्रेंड आप मोहर्स सॉल्ट्स भी बोलते हैं. इसमें फ्रेंड्स जब आप वाटर ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स ये टूट जाता है Fe+2 SO4-2. यहां से फ्रेंड्स आप देखें 2NH4+ SO4-2. तो यहां पे फ्रेंड्स भी आप सिमिलरली रिपोर्ट कर सकते हैं द टोटल डिफरेंट आयन इज 3 एंड टोटल मोस ऑफ आयन इज 5. फ्रेंड्स थर्ड एग्जांपल देखें K2SO4+Al2SO4 3. तो मैं थर्ड एग्जांपल में भी देखिए मैंने दो डिफरेंट सॉल्ट्स को लिया है और इसको जब आप क्रिस्टलाइज कराएंगे तो ये बनता है K2SO4 Al2SO4 3 and 24 H2O. यहां पे फ्रेंड्स 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होते हैं और इस डबल सॉल्ट को आप पोटास एलम के नाम से जानते हैं. और इसको जब आप वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे ये अपने सारे रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाता है. जैसे ये टूटेगा 2K+ प्लस SO4-2 प्लस 2Al+3 प्लस 3SO4-2. तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये सारे अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो चुके हैं. तो सिमिलरली फ्रेंड्स आप यहां पे देखें द टोटल डिफरेंट आयंस इज 3 एंड टोटल मोल्स ऑफ आयन 8. तो फ्रेंड्स दिस इज द मेथड दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द डबल सॉल्ट. तो फ्रेंड्स ये कार्डेनाइट मोहर सॉल्ट्स एंड दिस पोटास एलम दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ डबल सॉल्ट. सो नाउ फ्रेंड्स कम टू द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अ सेंट्रल एटम हैविंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद लिगेंड्स सराउंडेड. मतलब इट्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें आपको एक सेंट्रल एटम मिलेगा और यहां पे आपको कुछ लिगेंड्स मिलेगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल से अटैच्ड होता है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है. तो अगर ऐसा कहीं पे भी है तो इट मींस दैट वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इट do not give simple ions in water. Means complex salts friends, अगर आप water में add water उसमें add करते हैं तो वो अपने simple ions में break नहीं होता है. आपको कुछ न कुछ complex ion वहां पर मिलेगा. जैसे कि friends आपने double salts में देखा था कि water add करने पर वो अपने respective ions में बहुत ही आसानी से completely dissociate हो जाता था, लेकिन complex salt में ऐसा नहीं होगा. तो चलिए इसको हम कुछ examples के through देखते हैं. So first example is FeCl3 plus 3KCN. तो फिर इसका रिएक्शन जब आप देखेंगे तो यहां पे फ्रेंड्स आयरन के ऊपर प्लस 3 चार्ज है तो ये सिंपली एक रिएक्शन देता है FeCN3 plus 3KCl. लेकिन फ्रेंड्स जब आप इसी में एक्सेस KCN ऐड करते हैं यहां पे फ्रेंड्स आपके पास 3 मोल केसीएन था जो FeCl3 के साथ रिएक्ट करके FeCN3 बना रहा था. लेकिन फ्रेंड्स वही है जब आप इसमें एक्सेस केसीएन डालते हैं तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है K3Fe. यहां पे इसके ऊपर चार्ज जो है फ्रेंड्स वो प्लस 3 ही रहेगा
मींस आप अगर कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान रखें कि वो चेंज नहीं करता है। अगर FeCl3 यहाँ +3 चार्ज है तो यहाँ पे भी +3 चार्ज है, और ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर भी +3 चार्ज ही रहेगा। तो मैं नेक्स्ट कि आप अगर आप इसमें H2 ऐड करते हैं तो ये फ्रेंड्स डिसोसिएट होता है बट नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट। तो ये फ्रेंड्स टूटेगा 3K+ प्लस Fe Cn6 -3। तो फिर आप देख रहे हैं कि H2O ऐड करने पे ये कम्प्लीटली अपने आयन में ब्रेक नहीं हुआ है, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयन है वो उसी फॉर्म में रहेगा, ये फर्दर Fe+2 Cn- में नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड्स ये जो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे बना है इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप इस पे अगर फिर से H2O इसमें आप ऐड करेंगे तो इस पे आपको कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स दिस इज द मेथड दैट हाउ यू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे कि फ्रेंड्स आप CuSO4 में आप एक्सेस एक्वस NH3 अगर आप ऐड करते हैं तो ये फ्रेंड्स बनाता है CuNH3 4SO4। जब फ्रेंड्स आप कॉपर सल्फेट में एक्सेस एक्वस NH3 डालते हैं तो ये डार्क ब्लू कलर का सॉल्ट बनता है CuNH3 4SO4। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ डार्क ब्लू कलर। थर्ड एग्जाम्पल इज फ्रेंड, अगर आप AgNO3 में एक्सेस एक्वस NH3 डालेंगे तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स AgNH3 2NO3। दिस इज फ्रेंड्स टॉलेंस रिएजेंट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आपने ये पढ़ा भी होगा फ्रेंड दैट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज टॉलेंस रिएजेंट। तो मीन्स वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो यही होता है AgNH3 2NO3। इसमें आप वाटर ऐड करते हैं तो ये NO3- एंड दिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में टूटेगा। नेक्स्ट आप बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखें, निकिल का रिएक्शन विथ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। इसको जब आप NH4OH अल्कलाइन मीडियम में जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो आपको मिलता है NI DMG2। इट्स ए रोजी रेड PPT। ये फ्रेंड्स होता है रोजी रेड कलर का, ये मैंने इंडिकेट किया है बिकॉज इट्स अ PPT मीन्स यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनता है। सो इट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। Ni+2 को जो आप रिएक्ट करवाते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन के साथ इन एल्कलाइन मीडियम तो ये NI DMG2 बनाता है। सो फ्रेंड्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एंड मैंने आपको इसके पहले डबल सॉल्ट बताया है। सो फ्रेंड्स दीज आर दीज टू स्टेटमेंट्स दैट आई हैव रिटन हियर। तो फ्रेंड्स इस दोनों स्टेटमेंट के थ्रू आप डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।